एक सवाल है जिसको लेकर हर आजीवक परेशान है, सेक्स सेक्स वासना वासना। लेकिन क्या कभी तुमने सोचा है कि तुम दिन में 5-5, 6-6 बार हस्तमैथुन कर रहे हो या सेक्स भी कर रहे हो, फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरता है ना? और ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कमेंट में और व्हाट्सएप पर मैसेज भी आते हैं। अब अगर मुझसे तुम बात करना चाहते हो कॉल पर, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहो, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि मुझसे बात कैसे कर पाओगे। अब मुद्दे पर आते हैं, क्या कभी तुमने सोचा है कि हमें इतनी वासना, इतना सेक्स चाहिए ही क्यों? क्या तुम जानते हो क्यों पड़ने लगी इतनी ज्यादा जरूरत इसकी? जरूरत क्या है इतना ज्यादा वासना, इतना ज्यादा सेक्स की? इसका सिंपल जवाब है, जीवन में सही मजे का ना होना। तुम्हारे जीवन में इसके सिवा कुछ बचा नहीं है, तुम्हारे जीवन में दुख ही दुख भरा पड़ा है। तुम्हारी हर एक परिस्थिति, हर एक सिचुएशन तुमने खराब करके रख रखी है, इसीलिए तुम्हें चाहिए इतनी ज्यादा वासना, इतना ज्यादा सेक्स। वो क्या सिचुएशन है तुम जानते हो? तो सुन लो, वो सिचुएशन है तुम्हारे घर की बुरी हालत, तुम्हारा आर्थिक तरह से मजबूत ना होना, तुम्हारे पास पैसा ना होना। तुम जीवन में इतना ज्यादा गरीबी से जूझ रहे हो, तुम्हारे घर में हालात बहुत बेकार हुए पड़े हैं, माँ बाप बीमार चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कमाने जा रहे हैं, तुम्हारी सिचुएशन बिल्कुल खराब है। इस वजह से चाहिए तुम्हें ज्यादा सेक्स, क्योंकि खुशी तुम्हें यहाँ से नहीं मिली तो कहीं और से चाहिए। तुम अपने जीवन में अनसक्सेसफुल हो, तुम किसी भी चीज में निपुण नहीं हो, इसीलिए चाहिए तुम्हें ज्यादा सेक्स। तुम किसी भी खेल में निपुण नहीं हो, तुम किसी खेल को बेहतर नहीं खेलते, इसीलिए चाहिए तुम्हें ज्यादा सेक्स। तुम्हारे जीवन में कोई ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य नहीं है जिसमें तुम्हें बेहतर से बेहतर और मस्त से मस्त खुशी मिले, इसीलिए चाहिए तुम्हें ज्यादा सेक्स। तुम्हारे जीवन में कोई भी प्रेम करुणा और आजादी नहीं है, इसीलिए चाहिए तुम्हें ज्यादा सेक्स। अब हो सकता है आप लोगों को ये बात थोड़ी अजीब लगे या अटपटी भी लग सकती है बहुत से भाइयों को, लेकिन तुम जरा सोचो, जब तुम खुश होते हो, जब तुम एकदम शांत और नॉर्मल लाइफ खुश होते हो, किसी भी ऐसा दिन कभी बीता हो तो क्या तुम्हें उस दिन वासना की याद आती है? नहीं ना। क्या तुम्हें सेक्स या कोई लड़की फालतू में खींचती है? नहीं ना। लेकिन जब तुम्हारी जिंदगी में इसके सिवा कुछ बचा नहीं होता, जब तुम्हारी जिंदगी डिप्रेशन से बीत रही होती है, तभी पॉर्न की याद आती है ना, क्योंकि शरीर को डोपामिन चाहिए। पूरे जीवन में तुम्हें कोई सुख और तुम्हें शांति मिल नहीं रही, जीवन सारा एकदम अधेड़ बुन में बस ऐसे बिखरा पड़ा है, इसीलिए तुम्हें चाहिए ज्यादा सेक्स। तुमने देखा है गरीब आदमी के ज्यादा बच्चे क्यों होते हैं? थोड़ा सोच कर देखो, जो आदमी जितना ज्यादा परेशानी से जूझ रहा है, जिसके पास काम धंधा बहुत कम है, तुम देखोगे वही इंसान के बच्चे सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि जिस इंसान के पास काम धंधा है, जिस इंसान के पास ऐसा काम है कि उसमें वो मगन है, या काम नहीं तो कोई और ऐसी चीज जिसमें वो मगन है, फिर उसे कहीं और से डोपामिन लेने की जरूरत क्या पड़ेगी? मैं डोपामिन इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम साइंटिफिकली तरीके से भी समझ पाओ। फिर उस इंसान को कहीं और से खुशी लेने की जरूरत क्यों पड़ेगी? जीवन तुम्हारा परेशानी में बीत रहा है, तुम्हारे घर में लाचारी और बेबसी बीत रही है, और तुम अनसक्सेसफुल हो। इन सब को सुधारने की बजाय तुम क्या कर रहे हो? तुम उन लोगों के चैनल जाकर सब्सक्राइब कर रहे हो जो वीर्य के बारे में बोल रहे हैं। तुम वीर्य की परेशानी को सुलझा रहे हो, पर वीर्य की परेशानी सुलझने के बाद तुम ये नहीं समझ रहे कि उसके बाद जिंदगी तुम्हारी कोई बदलने वाली नहीं है, क्योंकि जैसा तुम्हारा आचरण, जैसा तुम्हारा व्यवहार है, वैसा ही तब रहेगा, और तब ऐसा रहेगा जैसा आज है। तो तुम देख लो, अगर तुम अपनी ऊंचाई के लिए आगे बढ़ो, बेहतर संगत के साथ ऊंचाई के साथ बढ़ो, तो तुम देखोगे ये सब चीजें निपटती चली जाएंगी और जीवन में खुशी होगी। और फिर तुम्हें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं इसको कंट्रोल करूं, उसको बचाऊं, उसको रोकूं, नहीं, क्योंकि तब तुम्हें खुशी का कोई और जरिया चाहिए ही नहीं होगा। जीवन जब दुख भरा होगा तभी इंसान को इसकी जरूरत होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमारा शरीर डोपामीन पर चलता है, जहां ज्यादा होगा वहीं भागेगा, और जीवन में ही कम होगा तो फिर एक जगह ही भागेगा। समझ पा रहे हो? फिल्में नहीं देखी क्या तुमने? जब दिल टूटते हैं, जब डिप्रेशन में आते हैं, जब व्यापार लूट जाता है या कुछ बर्बादी हो जाती है, तो आदमी कहाँ भागता है? नशे की तरफ, शराब पीता है और नशा वगैरह करता है। क्यों करता है? क्योंकि उससे डोपामिन रिलीज होता है। डिप्रेशन में दारू पीते हैं, नशा करते हैं, ये कोई ऐसे ही नहीं है।
ये इसीलिए है क्योंकि डिप्रेशन में आदमी के पास डोपामीन रिलीज करने का कोई तरीका होता नहीं, और जब जीवन ही दुख भरा हो तो उसे डोपामीन की तरफ जाना पड़ता है। अब डोपामीन किस किस तरीके से मिलता है ये आप सभी को पता है, नशा, पोर्न और वगैरह वगैरह। लेकिन जिस इंसान के जीवन में मौज, आनंद और बेहतर जीवन वो खुद जी रहा है, लाइफस्टाइल उसकी एकदम ऊंचे लेवल की है, उस इंसान को इन सब की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती जितना तुम्हें लग रहा है। अगर वो बेडरूम में जाएगा अपनी वाइफ के साथ तो ठीक है, सेक्स कर लेगा, लेकिन पूरे पूरे दिन घूमेगा नहीं कि मुझे यही करना है, क्योंकि उसके जीवन में बाकी सब काम है। तो तुम्हें इतना ज्यादा वासना, इतना ज्यादा सेक्स चाहिए कि तुम समझ रहे हो? वो इसीलिए चाहिए क्योंकि जीवन में कुछ और बचा ही नहीं, जीवन पूरा उदासी और डिप्रेशन में चल रहा है। तुम्हें काम करना चाहिए जाकर अपने सक्सेसफुल होने पर, लेकिन तुम उन लोगों की वीर वाली वीडियो देख रहे हो जिससे वीर बचा लोगे लेकिन मन मैला कर लोगे। क्योंकि वीर बचाने वाला करता क्या है? वो करता यही है, पूरे दिन यही सोचता है कि सेक्स वासना हस्तमैथुन ना हो जाए या करना लू, लड़कियों से भागना है दूर, ये वगैरह वगैरह। अब मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि वीर को रोकना गलत है, ये भी नहीं कह रहा, बस पॉइंट को समझो। जो बुद्धिजीवी है वो समझ गए होंगे, बाकी गलत मतलब निकालने वो बात अलग है। जीवन में इतना ज्यादा सेक्स, इतना ज्यादा हस्तमैथुन, इतना ज्यादा पोर्न, अभी पोर्न चाहिए, हस्तमैथुन चाहिए, शादी के बाद ज्यादा सेक्स मांगोगी, वो सब क्यों हो रहा है तुम जानते हो? क्योंकि जीवन में बाकी कुछ रखा ही नहीं है। शादी के बाद क्या होगा? सुबह 7-8 बजे घर से निकलोगे और शाम को 5-6 बजे घर लौटोगे। किसी के गुलाम बनकर नौकरियां की और वहां गाली वगैरह खाई, फिर घर पर आए तो जीवन उदासी से तो बीत रहा था, रात को सेक्स कर लिया तो डोपामिन थोड़ा रिलीज हो गया, बस स्ट्रेस फ्री, फिर सुबह को उठे वही रूटीन चालू, ये चलता है। अगर अभी जीवन सुधार लिया, पूरा जीवन सुधार लिया, तो फिर इससे बचने भागने की कोशिश नहीं, क्योंकि जीवन में डोपामीन, जीवन में आनंद, जीवन में खुशी कहीं और से मिल रही है, तो तुम्हें इन सब की जरूरत पड़ेगी क्यों? हो सकता है कुछ भाइयों को ये अनुमान ही न लग रहा हो कि नहीं ऐसा नहीं है, जब जीवन में सारी खुशियां होंगी तब भी हम सेक्स मांगेंगे। नहीं मांगते, ये क्यों कल्पना कर रहे हो? क्योंकि अभी तुम उस ऊंचे जीवन को जी ही नहीं रहे, तो तुम्हें ये बात थोड़ी पॉसिबल लग ही नहीं रही। लेकिन यही सत्य है, जब तुम एक ऊंचा जीवन जीने लगते हो तो नीचे शारीरिक सुख तुम्हें याद नहीं रहते, कभी याद आए तो ठीक, ना आए तो कोई बात नहीं, ये होता है। तो अगर तुम्हें पोर्न, हस्तमैथुन या इन सब की लत है, बार बार दिन में 5-5, 6-6 बार भी कर कर तुम संतुष्ट नहीं हो, तो ये इस बात का संकेत है कि भाई मेरे जीवन में बहुत बड़ा दुख चल रहा है, मेरी हर एक सिचुएशन दुख से भरी है, तभी मुझे इस मजे की जरूरत पड़ रही है, मैं जीवन को दुख में जी रहा हूँ। पूरे जीवन को आनंद से भर दो, जीवन के हर एक क्षण, हर एक पल को ऊंचे सुख से भर दो। अगर अनसक्सेसफुल हो तो सक्सेसफुल बनो, लाचारी बेबसी है तो उसे ठीक करो, घर का माहौल अगर तुमने बिगाड़ रखा है तो उसे बेहतर करो, जो भी चीज तुम्हारे जीवन में खराब है उस पर काम करके उसे बेहतर करो, और जब जीवन बेहतर होगा तो फिर छोटे सुख की तरफ भागोगे नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर कभी नहीं सोचोगे कि मुझे उसकी जरूरत है। ध्यान रखना, इन चीजों में सिर्फ और सिर्फ वही लिप्त ज्यादा रह पाता है जिसके जीवन में इनके सिवा और कुछ बचा नहीं होता। अगर मानकर चलो मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे दूं, तो तुमने कुछ अचीव तो किया नहीं, खुद पाया नहीं, मेहनत करनी नहीं पड़ी, तो सब कुछ तुम्हें मिल गया, फिर बचेगा क्या कि अब तुम्हें सेक्स चाहिए, अब कुछ नशा चाहिए, तो इतना पैसा आने के बाद तुम क्या करोगे? बस सिर्फ इन्हीं में लगे रहोगे। तुमने देखे है ना, कुछ ऐसे अमीर ज्यादा होते हैं जिन्हें हर वक्त एक नई लड़की चाहिए होती है, कारण समझ रहे हो? क्योंकि उनका खुद अचीव किया हुआ नहीं होता, उन्होंने खुद मेहनत और लगन से काम करके ये पाया नहीं होता, और जिन्होंने ये पाया नहीं होता वही इन छोटे सुखों में भिड़े रहते हैं। और जब आपका जीवन एक ऊंचा जीवन होगा, जब आपका हर एक क्षण ऊंचा क्षण होगा, तो आप देखोगे फिर सेक्स आपके लिए सेक्स ही होगा, बहुत बढ़ चढ़ कर नहीं होगा, फिर आप एक सामान्य सेक्स कर पाओगे, क्योंकि आप सेक्स को बहुत ऊंचा मानोगे नहीं, क्योंकि दिमाग में वो हर समय घूमेगा नहीं। क्यों घूमेगा नहीं? क्योंकि वो एक छोटा और सस्ता डोपामीन डोज है जो कि थोड़े समय के लिए डोपामीन रिलीज करता है, लेकिन जब जीवन में ही मजा होगा, जब जीवन ही तुम बेहतर जियोगे, तो इसकी जरूरत नहीं। उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ गए होंगे, मेरा काम पूरा हुआ। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, मैं आपका बहुत बहुत आभारी अगर आप पहुंचाते हो तो। और अगर जो भाई मुझसे बात करना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी बात लिख रखी है कि मुझसे कैसे बात कर सकते हो, वो पहले पढ़ो
पढ़ने के बाद मुझे कमेंट में बताओ कि पवन भाई मुझे ये सारी बात मंजूर है, उसके बाद मैं आपको कमेंट में नंबर दूंगा और फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं। और बेहतर से बेहतर लगातार संगत करते रहिए, संगत बहुत जरूरी है। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।